हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स स्वाद दिल्ली का चैनल। में आज हम आपके लिए अफगानी मटन चॉप्स की रेसिपी लेकर आए जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। मटन चॉप बनाने के लिए व्यूवर्स हमने ये चॉप्स लिए मटन की, जो कि हमने इसे 75% बॉयल कर लिया था। ये देखिए, ये 75% बॉयल हो चुकी है जो कि टेंडर है, और इसको हमने अच्छे से हमने बॉयल करके इसको पानी ड्रेन करके निकाल लिया है व्यूवर्स। और ये कुछ मसाले हैं जो हम आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले हमने दही और ग्रीन चटनी यानी ग्रीन चिली चटनी के साथ हमने दही को मिक्स कर लिया है। तो ये योगर्ट विद ग्रीन चिली है, और ये हमने लिया है कसूरी मेथी जो कि 2 टेबल स्पून है। चाट मसाला हमने लिया है, कोई सा भी चाट मसाला ले सकते हैं। और जिंजर गार्लिक पेस्ट लेना है हमें 2 टेबल स्पून। अब सबसे पहले से मैरिनेट कर लेते हैं व्यूवर्स। अब मटन जो होता है वो अगर पहले से बॉयल हो तो उसे बनाना बहुत आसान होता है। तो सबसे पहले हम इसे मैरिनेट कर लेंगे। इसके अंदर सबसे पहले हम सॉल्ट डालेंगे 1 टीस्पून। वैसे हमने बॉयल करने में भी 1 टीस्पून सॉल्ट डाला था, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट ले सकते हैं। फिर हम इसके अंदर डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट जो कि 2 टीस्पून है। इसके अंदर हम ग्रीन चिली के साथ जो हमने योगर्ट के साथ चटनी बनाई थी वो हम इसमें डाल देंगे 3 से 4 टेबलस्पून, 1/2 कप के अराउंड डाला है हमने। कसूरी मेथी डाल देंगे 2 टीस्पून। अफगानी डिश जो होती है व्यूअर्स में कसूरी मेथी का बहुत बड़ा रोल होता है, तो कसूरी मेथी ज़रूर डालिएगा आप इसके अंदर। चाट मसाला डालेंगे 2 टीस्पून, और इसे हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और दही डालना है हमें, सिंपल प्लेन दही जो होता है, या आप क्रीम ले सकते हैं, कुछ भी। योगर्ट डाल दिया हमने फ्रेश। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और एक ग्रिल पैन को हमें अच्छे से मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लेना है व्यूवर्स। अगर आपके पास ग्रिल पैन ना हो तो आप इसे तवे पर भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले ऑयल से या बटर से हम इसे ग्रीस कर लेंगे। तो हमने ब्रश की हेल्प से इसको ग्रीस कर लिया है, और जो हमने चॉप्स को हमने मैरिनेट करके रखा था 15 मिनट के लिए, तो हम इसे ग्रिल कर लेंगे पैन पर। और जहाँ जहाँ से थोड़ी ड्राई होती रहेंगी हम उसके ऊपर बटर लगाते रहेंगे ताकि जले नहीं। और जब इसकी एक साइड अच्छे से कुक हो जाएगी, ब्राउन स्पॉट आपको नज़र आने लगेंगे, तब आप इसको इसकी साइड को चेंज कर दीजिए। तो ये देखिए, इसकी एक साइड कुक हो गई है, तो हम इसकी साइड चेंज कर देते हैं। बहुत ही जल्दी ये सिक जाती हैं, बहुत मज़ेदार बनती हैं व्यूवर्स। ये देखिए, इस तरीके से ग्रिल पैन पर हम इसे बना रहे हैं। ये देखिए, दूसरी साइड भी हम इसे चेंज कर देते हैं। अब जब दोनों साइड से कुक हो जाए तो हम इसे एक प्लेट पर निकाल लेंगे। तो ये काफ़ी अच्छे से सिक गई हैं हमारी मटन चॉप्स। थोड़ी देर कवर कर देंगे, सिमर कर देते हैं 2 से 3 मिनट के लिए, और प्लेट में से सर्व करेंगे। गर्मा गर्म बाकी के चॉप्स को भी ऐसे ही कुक कर लेते हैं ग्रिल पैन पे। और देखिए, हमने इसे अच्छे से ग्रिल कर ली हैं, और ये हमारी मज़ेदार मटन चॉप्स बनकर तैयार हैं। आप इनको बटर से भी गार्निश कर सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक का बटन ज़रूर हिट करें। थैंक